@9 काविंद चौहान के साथ। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है भारत एट नाइन में। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। काला कोट पहना है लेकिन मैं वकील नहीं हूं। कई लोग आजकल अलग अलग रंगों के परिधान पहनकर अपने आप को किसी और पेशे के साथ जोड़ देते हैं, बता देते हैं मन में क्या कुछ इच्छाएं हैं, उनको सामने नहीं रखते लेकिन लोगों के सामने ऐसे प्रकट होते हैं मानो वही लोगों के हितैषी हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, वरना देश जो है वो आपके हवाले होता चला जाता है। इससे पहले भी शाहीन बाग के आंदोलनों के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली को आखिर में आपके हवाले दिया गया। अगर आंदोलनों का क्लाइमेक्स इसी तरह का है तो क्या उन्हें स्टार्ट होने की भी जरूरत है? क्या आंदोलन अगर इसी तरह से द एंड की ओर बढ़ते हैं तो क्या भी कभी भी उनकी बिगनिंग की जानी चाहिए या उनकी बिगनिंग करने देना चाहिए? सरकार के खिलाफ अगर बात है तो यह आखिर में आगजनी पर क्यों तब्दील हो जाती है? अगर सरकार के खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आपकी लड़ाई है, तो इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर बीजेपी नेता कैसे हो जाते हैं? और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ते लड़ते आप कब हिंसक हो जाते हैं, कब बीजेपी नेताओं को पीटने लगते हैं, कब आम लोग इसकी जद में आ जाते हैं, कब आप आम लोगों को इसका निवाला बना देते हैं, कब इसका शिकार कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आज मैं दो चेहरे दिखाना चाहूंगा। मेरे बाजू में जो शख्स मौजूद है इनका नाम भी काविंद्र चौहान ही है। हम दोनों काविंद्र चौहान हैं, लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि हम में से असली कौन है और नकली कौन है, यह समझ पाना काफी मुश्किल हो चुका है आज के समय में। आज 4 तारीख है, 4 तारीख की बात करूं तो 4 चेहरे भी अगर आपके सामने लाकर खड़े कर दूं तो भी पहचानने में बड़ी कठिनाई होगी। ऐसा ही कुछ हो रहा है देश की जनता के साथ। अगर सीधे तौर पर बात करूं तो देश के किसानों के साथ। एक किसान देश में हल चलाता है तो दूसरा किसान लाठी लेकर सामने आ जाता है। तस्वीरें कष्टदायी हैं, टीवी स्क्रीन पर ना ही दिखाऊं तो बेहतर होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो हर किसी के मन में एक बार फिर आ चुका है। तूफान की तरह आए या सुनामी की तरह आए, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए। मुद्दा गंभीर है। सरकार का पक्ष होना या सरकार का विपक्ष होना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आम जनमानस इससे परेशान है, अगर देश का एक कोना क्या एक तिनका भी अगर इससे जल जाता है तो उसको बुझाने की जरूरत है, उस पर पानी डालने की जरूरत है। बात मैं कर रहा हूं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर सरकार के मंत्री पहुंचते हैं, दोनों के बीच झड़प होती है। इसी बीच आरोप है कि जो सरकार की गाड़ी थी, मंत्री के बेटे की जो गाड़ी थी, वो किसानों के ऊपर चढ़ जाती है, उनको कुचल देती है, ऐसा उनका कहना है किसानों का। तो ऐसे में क्या होता है? होता है ये कि 4 किसानों की मौत हो जाती है। इसका प्रतिकार क्या है? इसका प्रतिकार ये है कि 4 किसानों की मौत के बाद गुस्साए किसान 3 भाजपा समर्थकों की मौत कर देते हैं। एक ड्राइवर जो मंत्री के बेटे का ड्राइवर था उसको भी पकड़कर जिंदा इतना मारते हैं कि उसकी भी मौत हो जाती है। इसी के बीच में एक पत्रकार है जिसकी मौत हुई है। पत्रकार हमेशा दबा रह जाता है, सरकार का गुलाम की तरह पेश आता रह जाता है, लेकिन आखिरी में उसकी भी मौत हो जाती है, उस पर कोई बात नहीं करता। आपको बता दूं कि किसानों को 45 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी की बात कही गई है। इसी के साथ जो लोग दूसरी साइड के मरे हैं, जो भाजपा समर्थक मरे हैं, उनको भी 10 लाख रुपए देने की बात की जा रही है एज अ मुआवजा। लेकिन पत्रकार को 1 रुपया क्या, 1 फूटी कौड़ी भी देने की अभी तक बात नहीं की गई है। पत्रकार की भी मौत हुई है, लेकिन कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी पत्रकार से पेशे से जुड़े लोग जो है अभी तक सामने नहीं आए हैं। किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो लगातार पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 किसानों की मौत हुई है, उनको 3 भाजपा समर्थकों की मौत नहीं दिख रही। ऐसे ही बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं उनको किसानों की मौत नहीं दिख रही, उनको बीजेपी पार्टी के समर्थकों की मौत दिख रही है, लेकिन पत्रकार जो मरा है उसकी किसी को भी मौत नहीं दिख रही। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि असली लोगों को पहचानना आज की सबसे बड़ी जरूरत पड़ चुकी है। महेंद्र सिंह टिकैत ने जब किसानों को लेकर प्रदर्शन किया था तब साफ था कि जो सामने बैठे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसान हैं और किसानों के जो नेता हैं वो महेंद्र सिंह टिकैत हैं। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो समझ में नहीं आता कि कौन नेता है कौन किसान है, क्योंकि किसी भी किसान आंदोलन में हम जाएंगे अगर हम तो वहां किसी से भी बात करते हैं तो कोई अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष बताता है, कोई अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का नगर अध्यक्ष बताता है, तो कोई अपने आप को भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव बता देता है, लेकिन कोई भी अपने आप को सीधे तौर पर किसान नहीं बताता। ज्यादा सवाल जवाब करने पर कहीं ना कहीं किसान का जो शब्द है उनके मुंह तक आ जाता है, लेकिन मुंह से बाहर आते शब्द को आप पहचान सकते हैं कि असली है कि झूठ है। तो इसलिए आज जो 2 काविंद्र चौहान आपको दिख रहे हैं ये आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं ताकि आप पहचानें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर अगर पहचान सकते तो काफी आसानी होती, लेकिन मामला पेचीदा है। आप कैसे पहचानेंगे कि असली काविंद्र चौहान कौन है? ये इसलिए है क्योंकि आप कैसे पहचानेंगे कि असली किसान कौन है?
क्योंकि अगर मैं बात करूं गोंडा, बस्ती, बहराइच, कानपुर, फतेहगढ़, फरखाबाद, मैनपुरी, एटा, अलीगंज की, तो वहां पर जो किसान खेतों में हल चला रहे हैं वो कौन है? अगर वो किसान नहीं है तो कौन है? इसी के साथ अगर गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो कौन है? जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं वो कौन है? जो महापंचायत में भाषण दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ट्रैक्टर भर भर कर जा रहे हैं वो कौन है? जो हिंसा कर रहे हैं वो कौन है? जो खेत में फसल उगा रहे हैं वो कौन है? वो कौन से किसान हैं जो कभी पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं, कभी पंजाब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सरकार के बक्कल उतार देंगे? तो बक्कल उतार देने वाले असली किसान हैं या फिर हल चलाने वाले असली किसान हैं? तो असली और नकली के बीच का जो फर्क है वो उतना ही कठिन, उतना ही पेचीदा हो चुका है जैसे कि देसी घी में और नकली घी में फर्क करना। एक समय था जब, थोड़े समय पहले की बात करूं तो कुछ समय पहले तक डालडा में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो चुका था कि असली डालडा कौन सा है, नकली डालडा कौन सा है। थोड़े दिनों पहले तक बताया जा रहा था कि प्लास्टिक के भी चावल बनने लगे हैं, प्लास्टिक की भी मैगी आने लगी है। इससे पहले बताया जा रहा था कि दूध बनाने में किस तरीके से शैंपू का इस्तेमाल हो रहा है ताकि झाग ज्यादा आए। तो इसलिए आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि किसान बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी जो है वो इस्तेमाल कर रही है, बहुजन समाज पार्टी है वो इस्तेमाल कर रही है, या फिर आरएलडी जो है वो इस्तेमाल कर रही है, या फिर छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जैसे कि भीम आर्मी वो इस्तेमाल कर रही है। तो सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल काफी पेचीदा है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे गंभीर सवाल है वो ये है कि आखिर लखीमपुर खीरी क्यों जल रहा है। सवाल यह है कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना लखनऊ में इतनी हलचल क्यों पैदा कर रही है। सवाल यह है कि जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको क्या ऐसा लगता है कि लखीमपुर में जीत गए तो सियासत में जीत गए? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो थोड़ी संयम रखने की स्थिति में क्यों नहीं है? क्यों मामले को बढ़ा चढ़ा रहे हैं? क्यों दंगे की स्थिति पैदा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान आंदोलन के नाम का ढिंडोरा लेकर ढोलक बजा रहे गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान आखिर कब शांत होंगे, कब मानेंगे, कब उनकी अति की जो प्रतिक्रिया है वो शांत होगी? क्योंकि आपको सीधे तौर पर बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, साफ कहा है, साफ अक्षरों में लिखा है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, दोनों चीजों में उपलब्ध है। आप कहेंगे तो मैं पंजाबी में भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, सिंघूपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, ये सभी किसान दिल्ली का गला घोंट रहे हैं। ये सख्त टिप्पणी है जो कोर्ट के द्वारा की गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आखिर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों झड़प कर रहे हैं? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और दलील दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आखिर जब कृषि कानूनों को लागू होने से, अमल उनका होने से रोक है तो आप किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? यह वही बात है कि ठंडा पानी अभी हुआ नहीं है लेकिन पहले से आप गर्म पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यही सब सवाल है जिनको लेकर आज भारत एट नाइन में आपके सामने हाजिर हूं। बाकी लखीमपुर खीरी में क्या कुछ हुआ है इसको लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, उस छोटी सी रिपोर्ट को देखिएगा जरूर। उससे पहले आपको बता दूं कि जो लेफ्ट में है वो नकली काविंद्र चौहान है, जो राइट में है वो असली काविंद्र चौहान है। पैकेज जब चल जाएगा उसके बाद असली वाला हाजिर हो जाएगा, नकली वाला गुम हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई। इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आने लगा है। यहां लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म बीजेपी सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर लखीमपुर खीरी जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया। यहां प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस हिंसा में अब तक किस किस की जान गई? रमन कश्यप स्थानीय पत्रकार, दलजीत सिंह बहराइच से किसान, गुरबिंदर सिंह बहराइच से किसान, लवप्रीत सिंह चौखरा फार्म मजगई से किसान, छत्र सिंह किसान, शुभम मिश्र बीजेपी नेता, हरिओम मिश्र अजय मिश्रा का ड्राइवर, श्याम सुंदर बीजेपी कार्यकर्ता।
लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। ये केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में लिखा गया। उधर मंत्री अजय मिश्र के ड्राइवर की तहरीर पर तिकुनिया थाने में ही अज्ञात किसानों पर हत्या, जानलेवा हमला, बलवा और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उधर लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि जब तक मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उधर घटना स्थल पर किसान जुटने में लगे हुए हैं। बता दें किसानों की संख्या 2000 के करीब हो चुकी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने दंगा नियंत्रण की 3 गाड़ियां मंगा ली हैं। उधर रविवार रात को मंत्री अजय मिश्र ने कहा था कि घटना स्थल पर उनका बेटा भी मौजूद नहीं था। प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच घुसे कुछ शरारती तत्वों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और उनके काफिले पर की एक गाड़ी के ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला। हिंसा के बाद लखीमपुर के तिकुनिया में 3 कंपनी PSC, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ ग्रामीण और लखीमपुर की फोर्स को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर करीब 1000 जवान मौके पर मुस्तैद हैं और लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार तक के लिए जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो नकली काविंद्र चौहान तो चला गया, असली आपके सामने हाजिर है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि आप पहचान सकें कि असली किसानों को पहचानने का वक्त आ गया है, नकली किसानों को सामने कहकर पॉइंट करने का वक्त आ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं नकली किसानों की वजह से, इन तथा कथित किसानों की वजह से जो असली किसान है वो बदनाम हो रहे हैं। जो इतने साल जो इज्जत कमाई है किसानों ने, वो कहीं ना कहीं नीलाम होती जा रही है। क्योंकि असली किसान कभी भी, दर्शकों, कभी भी वो लाल किले पर चढ़कर हिंसा नहीं करेगा। असली किसान कभी भी दिल्ली की तमाम सीमाओं पर इस तरीके से रोड्स ब्लॉक नहीं करेगा। असली किसान कभी भी आम लोगों के साथ हिंसा नहीं करेगा, पुलिस वालों के साथ हिंसा नहीं करेगा। आम किसान कभी भी एक गाड़ी को पलटकर उसके ड्राइवर को जिंदा मौत के घाट नहीं उतारेगा। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो एक किसान है, उसके जमीर में दम है, क्योंकि उसके अंदर मेहनत का जो लबो लुआब है वो भरा हुआ है। वो मेहनत करना जानता है, मेहनत मजदूरी करना जानता है। वो राजनीति से बहुत परे है, राजनीति से बहुत दूर है। अखिलेश यादव अपने पिता की दी हुई विरासत को संभाल कर आज राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी बना ली, अपना इंट्रोडक्शनरी फेज जो है उसको मजबूत कर रहे हैं। लोगों के सामने कोई भी मुद्दा हो, जैसे कोई ट्रेंडिंग वीडियो होती है, वायरल वीडियो होती है, तमाम लोग उसको चलाने लगते हैं, फॉरवर्ड करने लगते हैं, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद हर मुद्दे पर, हर घटना पर उछल के कूद कर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हाल हर किसी के साथ। योगेंद्र यादव अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, मुझे, मैं बता दूं आपको, कल तक पहुंच जाएंगे। उदित राज, ये लोग पहुंच जाएंगे। ये हैं, गिनती के हैं, गिनती के दर्जन भर लोग हैं। इनका दरअसल काम ही ये है कि इनका उछल कूद करने का काम है। उछल कर वहां पहुंच जाते हैं, उछल कर यहां पहुंच जाते हैं। इनका कोई जनहित का काम नहीं है, इनका काम है एंटी बीजेपी होना। एंटी बीजेपी होते होते ये राज्य जल जाए बढ़िया है, देश जल जाए बढ़िया है, सीमाओं पर कुछ भी हो जाए बढ़िया है। इनका मुद्दा सिर्फ एंटी बीजेपी है। आज मैं इस मुद्दे को क्यों लेकर आया, इसलिए लेकर आया जबकि तमाम टीवी चैनल्स पर यह मुद्दा सुबह से चल ही रहा है, लेकिन इसको लेकर इसलिए आया ताकि आप लोग सोच सके, समझ सके कि लखीमपुर में जो कुछ हुआ वो एक दुखदायी घटना है, कष्टदायक घटना है। किसानों की मौत हो गई, 4 किसानों की मौत हो गई, वो कोई भी, लेकिन मौत हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी के समर्थक, वेस्ट बंगाल में उनकी हत्याएं हो रही हैं, यहां पर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है। ये वीडियो हर किसी के फोन में है कि किस तरीके से ड्राइवर को डंडों से पीट पीट कर कुचल कुचल कर मार दिया गया। वो दादा दादा करता रहा, भाई भाई करता रहा, उसको मार दिया गया। ये कौन से किसान है? अगर सफेद चोला ओढ़ लेना, हरी टोपी लगा लेना आपको किसान बना देता है, तो आप ये भी बता दीजिए कि कितने रुपए में किसान बनता है। ऐसे ही अगर किसान बनने लगे तो हर कोई किसान बन जाएगा, लेकिन असली किसान बनने में बहुत मेहनत, बहुत शक्ति, बहुत परिश्रम,
और बहुत इच्छा शक्ति लगती है। हमारे देश के किसानों को बदनाम मत कीजिए, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। और जो लोग भी आप प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, प्रोपेगेंडा में फंसने का कोई मतलब नहीं होता। आप इधर की मत सुनिए, उधर की मत सुनिए, पार्टियों के अपने काम है। राजनीतिक जो भी राजनीतिक लोग हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, रालोद हो, कोई भी पार्टी हो, हर किसी का अपना अपना एजेंडा है। उनको सिर्फ सत्ता पर आना है, उनको राज करना है, उनके अंदर अहंकार है। लेकिन आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों पहचानने में देरी कर रहे हैं, क्यों? अगर आपका ठीक है, अगर आप सरकार की आपकी नीतियां पसंद नहीं है, अगर आपको सरकार की कोई भी जो उनका कानून हो, कुछ भी हो, पसंद नहीं है, तो ठीक है। लेकिन इसके लिए ऐसा मत करिए कि आप किसी और का सहारा लेना पड़े। आपको नकली किसान आकर आपके सामने आपके प्रदेश को जला रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए खुश हैं क्योंकि वो एंटी बीजेपी है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हर किसी के दिल में हमारे देश के लिए बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान और बड़ा मान है। तो इन चीजों से हमको बचना चाहिए। बाकी राकेश टिकैत के ऊपर 302 क्यों ना लगाई जाए, एक बड़ा सवाल है, पूरा भारत पूछ रहा है। राकेश टिकैत की वजह से आज लखीमपुर खीरी में 9 लोगों की मौत हुई, ये कड़वा सच है। इसको आप किसी भी तरह से काउंटर कर सकते हैं कि बीजेपी के मंत्री आए, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। अरे भाई, पंजाब में भी राकेश टिकैत के कहने पर पंजाब के किसानों ने एक बीजेपी के विधायक को निर्वस्त्र कर दिया था मारते मारते। वहां कोई प्रतिकार की घटना नहीं हुई, राकेश टिकैत ने ताली बजाई। इसके बाद हरियाणा में दर्शकों, वहां पर हेलीपैड खोद दिया गया, वहां बीजेपी का एक मंत्री आने वाला था, भड़काया इन्होंने किसानों को, किसानों ने हेलीपैड खोद दिया, झंडा बैनर सब तोड़ दिया, टेंट उखाड़ के फेंक दिया, राकेश टिकैत ने ताली बजाई। इसके बाद सिसौली में बीजेपी नेता को मारा गया, पीटा गया, उसके साथ मारपीट हुई, कोई प्रतिकार नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई, भगवान की दुआ से। क्या किया राकेश टिकैत ने? तालियां बजाई, किसानों को भड़काया, हिंसा के लिए भड़काया, बक्कल उतार देंगे। कौन सा बक्कल उतारेंगे? ये लगातार किसानों को भड़का रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ, किसानों को लगातार भड़काया गया कि बीजेपी नेताओं को तब तक विरोध करो, उनके साथ हिंसा करो, हर तरह से करो। हमारे स्थानीय पत्रकार लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की गाड़ी, मंत्री की गाड़ी वहां से जा रही थी, उसके ऊपर पथराव किया गया, जैसा तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता था अभी तक हमको, वैसा यहां पर भी किया गया। तो यह सब राकेश टिकैत के कहने पर हो रहा है। राकेश टिकैत की वजह से आज 9 लोगों की मौत हुई है, तो राकेश टिकैत पर 302 का मुकदमा कब दर्ज किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। और राकेश टिकैत को अब यूं घूमने नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं कि आज वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठकर, प्रशांत कुमार साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये बड़ा ही शर्मनाक है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए तो उससे ज्यादा शर्मनाक है जो इस बात को लेकर खुश होते हैं कि उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है। आप लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है आपके लिए, आपकी पार्टी की सरकार क्या कर रही है आपके लिए? जितना जल्द हो सके राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और किसान आंदोलन के नाम पर चल रहा यह पूरा सियासी ड्रामा, इसको ताला जड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फायदा हो रहा है और अंत में जाकर बीजेपी इसका फायदा लेगी। लेकिन मैं बताता हूं कि इसका अंत दंगे हैं, और मैं अपने प्रदेश में दंगे अब नहीं होने दूंगा, इसलिए पहले ही लोगों को चौकन्ना कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ये सियासत की बेड़ियां हैं, जरा संभल कर रहिएगा, अगर पैरों में पड़ गई तो मुंह के बल गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो कहां कहां से खून आएगा कुछ पता नहीं चलेगा, आंखों के सामने अंधेरा होगा, दिमाग का पतन हो चुका होगा, नाक से सांस नहीं आएगी और मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। तब आप कहेंगे कि काश ये चीजें पहले पता होती, तो आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूं। बाकी लगातार सुबह से तस्वीरों का जो दौर है, लगातार विजुअल्स का जो दौर है वो जारी है, रिपोर्टर्स लगातार तरह तरह के विजुअल्स भेज रहे हैं, कुछ वायरल हो रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि कुछ विजुअल्स को लेकर थोड़ी सी उस पर विश्लेषण कर दूं उसका। तो सबसे पहला विजुअल अगर मैं कहूंगा, प्ले करिएगा जरा पहला विजुअल। ये कौन सा किसान है? टी शर्ट पे भिंडरावाला की फोटो है। भिंडरावाला के बारे में मुझे जितनी मेरी तकनीकी समझ है, जितनी मेरी बौद्धिक सोच है, समझ है, वो इतना ही कहती है कि भिंडरावाला एक आतंकवादी था जिसको भारतीय फौज ने मार गिराया, ऑपरेशन ब्लू स्टार हम सभी ने पढ़ा है। एक आतंकवादी की टी शर्ट पर उसकी फोटो लगाकर
कौन सा किसान आंदोलन हो रहा है ये कौन सा किसान आंदोलन हो रहा है कि एक आतंकवादी की फोटो आप अपनी टी शर्ट पर लगाकर किसान आंदोलन कर रहे हैं? आपको क्यों ना खालिस्तानी कहा जाए? दूसरी क्लिप चलाइएगा जरा। कौन था भैया? बचपन में देखते थे अपने दादा को, अपने नाना को, मैंने देखा है, लेकिन मैंने तो उन्हें हमेशा ये देखा है कि वो फसल की बात करते थे, वो खेतों की बात करते थे, वो हल चलाना जानते थे, वो फसल को काटना जानते थे। ये कौन से किसान है भला जो डंडा लेकर किसी को जीते जी मार दे रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं? ये कौन से किसान है? ये कहां के कैसे किसान हो सकते हैं? हमने तो कोई ऐसे किसान की परिभाषा आज तक ना सुनी ना देखी। एक पांचवी कक्षा का विद्यार्थी भी, बच्चा भी, छात्र भी, अगर उसे कहा जाए कि किसान के ऊपर निबंध लिखिए, तो वो भी पूरी ए टू जेड परिभाषा में गलत जितना भी लिखे, ये नहीं लिखेगा कि किसान डंडा लेकर किसी की हत्या करते हैं। कौन सा भारत बना रहे हैं आप? कौन से किसान को नई परिभाषा में परिभाषित करना चाहते हैं? देश का बंटा धार करके रख दिया। तीसरी क्लिप चलाइएगा सर। लेकिन ये हिटलर साइज सरकार किसी को जाने नहीं दे रही है। हम अपने घर से नहीं निकल सकते, ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का, समस्याओं को उठाने का। आप जितना लोकतंत्र कह रहे हैं तो आप विपक्ष की आवाज को दबा देंगे तो कैसे होगा? अगर प्रेस के लोगों की आजादी नहीं होगी तो सुंदर लोकतंत्र होगा? लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब जनता सच्चाई जानेगी। और ये सरकार जनता में सच को जानना चाहती है। ये क्या बात हुई भाई? जहां महफिल सजेगी वहीं पर खाट पड़ेगी। पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, याद नहीं आई इनकी सरकार थी, किसान फांसी लगाते थे, याद नहीं आई? आज एक घटना हुई जिसमें चार इधर के लोगों की, चार उधर के लोगों की और एक पत्रकार की मौत हो गई, तो घुटना टेक कर बैठ गए, गाड़ी खोलकर गिरफ्तारी दे दी। यह हिरासत नहीं है, सियासत है। अगली क्लिप चलाइएगा जरा। देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है। किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है। प्रियंका गांधी जी, अगर आप ऐसा बोल रही हैं तो बहुत शानदार बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इस देश में सबसे ज़्यादा सरकार आपकी रही, उत्तर प्रदेश में भी सरकार सबसे ज़्यादा आपकी रही, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहता हूँ। यहीं से आपको एक बात बताता हूँ कि आप बहुत राजनीति में जब से आई हैं तब बहुत प्रतिभाशाली लग रही हैं, लेकिन आपके लिए एक संदेश है मेरा। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है कि उनको गन्ना का भुगतान नहीं होता। लगातार पूरे यूपी वेस्ट की, अगर मैं बेल्ट की बात करूं, तो जो किसानों की, असली किसानों की जो प्रमुख बात है वो ये है कि गन्ना समर्थन मूल्य जो है वो सही नहीं मिलता, इसके साथ ही समय पर भुगतान नहीं होता। योगी सरकार ने फिलहाल इस आंच से बचने के लिए उनको राहत दी है, 350 रुपये कर दिया गन्ना समर्थन मूल्य, लेकिन महाराष्ट्र में 187 रुपये है, वहां पहुंचिए तत्काल रूप से, उसको भी 350 तक पहुंचाइए। आपको बड़ा अच्छा मैंने मुद्दा दिया है, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, वहां पर जाइए, 180 रुपये गन्ना समर्थन मूल्य है, उसको भी बढ़वाइए। यूपी में फिलहाल 350 है। अगली क्लिप चलाइएगा। इस पे बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट। इस क्लिप को तो बीच में ही चॉप करते तो ज्यादा शानदार रहेगा, क्योंकि पूरा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी जाते जाते प्रियंका गांधी के लिए एक चीज, शानदार एक्टिंग करती है मैम आप, बहुत शानदार एक्टिंग। आखिर अगर किसानों की इतनी परवाह है तो अभी याद क्यों आई? लखीमपुर खीरी में जब मैटर हो गया तभी याद क्यों आई? इससे पहले याद क्यों नहीं आई? नहीं आएगी।
क्योंकि जब मैटर होते हैं, जब मुद्दे होते हैं, तभी याद आती है। हाथरस का भी एक मुद्दा था, तब दोनों भाई बहन देखे गए थे, सड़क पर गिर रहे थे, एक्टिंग की नई परिभाषाएं लिख रहे थे। आज भी एक बार फिर नई कहानी है, न्यू डे न्यू एक्टिंग। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।